महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आ गया है। चुनाव के मद्देनजर सरकार बहुत सारे जुमले, बहुत सारे नए नए काम परोसने का काम महाराष्ट्र में चल रहा है। चुनाव के मुंह पर आने के बाद 80 GR निकाले, पर इसमें बहुत से ऐसे GR है उसमें 1 रुपए की भी तरतुत्ती है, फिर भी उसे स्वीकार किया गया। निविदा प्रक्रिया पूरी की गई। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आने के कारण सारा जुमला चल रहा है। 82 कैबिनेट में इस सब्जेक्ट को लेकर मंजूरी दी गई थी। सरकार के पास पैसा नहीं रहते हुए भी उन्होंने निर्णय लेकर लोगों को गुमराह करने का काम वोट पाने के लिए किया है। पिछले 1 साल से मैं विरोधी पक्ष नेता के रूप में काम कर रहा हूं। इस 1 साल में मैंने सरकार के बहुत बड़े बड़े घोटालों की पोल खोल दी है। ऐसा बेशरम सरकार महाराष्ट्र में कभी दोबारा नहीं होगा। 1 रुपए में पीक विवाह उतारने के नाम पर इस सरकार ने किसान की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। बहुत से जिले में आज भी पीक बीमा किसान को नहीं मिला है। एक किसान का 3 लाख का नुकसान हुआ और उसे मदद 3 रुपए की मिली है। अगर सरकार का काम अच्छा है तो खुद की भले ही तारीफ करे, किसान के जीवन के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। पिछले 4 साल से महाराष्ट्र में डंका पीटा जा रहा था कि खरीदी केंद्र शुरू करेंगे। अभी भी महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीदी हावी भाव से नहीं हुई है। पिछले साल भी किसान को कोई मदद नहीं मिली, सिर्फ आंकड़ा बड़ा किया जाता है। किसी जांच के लिए ये सरकार सामने नहीं आती है। इनके जमीन के घोटाले तो इतने हो गए हैं कि भारतीय जनता पक्ष के नजदीकी लोग, शिंदे के नजदीकी लोग 1-1 हजार 2-2 हजार की जमीन हड़प रहे हैं और सरकार उनको जमीन का आवंटन कर रही है। टेंडर में तो बहुत बड़े पैमाने में घोटाला हो रहा है। सरकार की पूरी तिजोरी खाली होने के बाद भी ये सब काम कर रहे हैं। मैंने एम्बुलेंस का घोटाला निकाला, जमीन का घोटाला निकाला, ट्रांसफर में घोटाले निकाले और धारावी जैसे प्रोजेक्ट में कैसे कैसे सरकार ने गुजराती उद्योगपतियों की मदद की ये भी बताया। सीलिंग की डॉन्टिंग विशिष्ट उद्योगपतियों को देकर 14 साल में 8,000 रुपए में दी गई मार्केट वैल्यू उसका करीब करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। अगर इस लैंड को ओपन निकाले तो 2 लाख नहीं बल्कि 3 लाख करोड़ इस लैंड की प्राइस आती थी। ये सब घोटाले हमने निकाले हैं। अभी जो बर्तन में घोटाला किया, कामगार विभाग का 2,000 करोड़ रुपए कामगारों को बांटने के लिए 300 रुपए की चीज 1,200 रुपए में खरीदी की, यह सब पैसा कहां गया, किसने लूटा? शिंदे और फडणवीस सरकार ने करीबन यह सब जोड़कर 2 लाख करोड़ के ऊपर के घोटाले इन्होंने महाराष्ट्र में किए हैं। इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। हर घंटे में 7 किसान सुसाइड कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। फुले शाहू बाबा साहेब के इस पुरोगामी राज्य में महिलाओं और बालिकाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। खुदकुशी की संख्या बढ़ती जा रही है तो सरकार क्या करी है? एक तरफ घोटाले का सिलसिला है, आत्महत्या कर रहे हैं, ओबीसी को गुमराह करके उनका हक छीना जा रहा है। 3 साल से चुनाव नहीं हुए, ओबीसी की जगह रिक्त रही। फडणवीस कहते थे हमारे हाथ में सत्ता दो, हम ओबीसी का आरक्षण 100 दिन में पूरा करेंगे, आरक्षण वापस लाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, पूरे महाराष्ट्र को तीनों ने मिलकर कर्जे में डुबो दिया है। कानून सुव्यवस्था बिगड़ चुकी है। यह स्थिति महाराष्ट्र में इसलिए आई है क्योंकि तीनों में कोई तालमेल नहीं है, तिजोरी को लुटने का काम हो रहा है। समाजातील व्यक्तीने कुकर्म केलं तर त्याला सगळा समाज दोषी आहे असं म्हणून असंतोष पसरवणं ही गुंडगिरी आहे आणि ही गुंडगिरी थांबवायला पाहिजे, आपल्या जीवाचं रक्षण करायला पाहिजे हिंदू समाजाने। निवडणूक आले की हिंदूचा पुळका मौन भागवताना नेहमीप्रमाणे येतो। त्यांनी बहुजनांच्या पुळक्याची गोष्ट करायला पाहिजे। हिंदू कुठे आहे? बहुजनात हिंदू नाही। हे जे खाजगीकरण केलं आहे यामध्ये ओबीसी नाही, त्याचं नुकसान होत नाही आहे, त्याचं 27% नुकसान कोण भरून देणार आहे? आणि हिंदुत्वाची गोष्ट करायची, आणि दुसरीकडे मात्र हे हिंदुत्ववादी आहे, हिंदू नाही, हे मूळ हिंदू नाहीच, मूळ हिंदू भारतातला आहे। हे हिंदुत्ववादी या मूळ मातीची काहीच धन घेणं नाही असं मी म्हणतो, आणि म्हणून ते नेहमी त्यांची भाषा ती हिंसक राहिली। आता याच्या संदर्भात सांगतात एखाद्या कोमला, एखाद्या समाजाला बदनाम करू नये, तुम्ही तेच करत आलात। ही घटना जर आपटेच्या ठिकाणी किंवा इतर कोणाच्या झालेल्या आता घटनामध्ये विशिष्ट जातीचा एखाद्या विशिष्ट धर्माचा माणूस सापडला की त्याला त्या कोमला कोण बदनाम करतं? सर्वप्रथम भाजप बदनाम करतं। आता शहाणपणा सुचले असतील तर तुम्हाला धन्यवाद, तुमचे आभार, देर आहे दुरुस्त आहे, पण धर्मामध्ये किंवा धर्मभेद करण्याचं काम त्याची शिकवणच मुळात कोणी दिली तर ते रेशीमबागेतून झालेली आहे, या देशाला माहीत आहे, हे काही सांगायची गरज नाही। आणि ऐरळीचा काय विषय राहिला? ज्यावेळेस स्वातंत्र्याच्या पणनंतर ज्या काही युती झाल्या, आघाड्या झाल्यात, त्यामध्ये तुम्हाला त्यावेळेस धर्म दिसत नव्हता। त्यावेळेस तर तुमचं मूळ हिंदू महासभा मुस्लिम लीगशी युती करताना त्याचं मूळ काय होतं, कोण होते, एवढा वेगळा इतिहास आहे। पण मला एवढंच सांगायचं आहे, ते म्हणतात त्याप्रमाणे कुठल्याही धर्माचा माणूस जर अशा तो व्यक्ती त्याचा
हे असेल त्याचा तो गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असेल मग तुम्ही कुठल्याही धर्मालाही जाती आणि धर्माला यापुढे भाजपच्या सगळ्या लोकांना आणि नेत्यांना आदेश काढा लेखी स्वरूपात आरएसएसनी की अशी बदनामी यापुढे करता कामा नये. तो कुठल्याही धर्मातला हो तो कुकर्म करू देत तर तो विषय त्याचा त्याच्यासाठी वैयक्तिक त्याचा दोष असेल असं म्हणून काढा आणि सांगा लोकांना म्हणजे तुमच्या अंगावर आलं आता किती पापं झाकले जातात. आमच्या मंदिराचं पावित्र्यसुद्धा शिल्लक ठेवण्याचं पाप शिल्लक राहिलं नाही अशा प्रकारचं पाप देशात सुरू आहे त्याच्यावर मात्र पूर्णतः पडदा टाकण्याचं काम सुरू आहे. कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट. Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.